अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ Realme के पर्सनलाइजेशन वाले फीचर के बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे जो पर्सनलाइजेशन वाला फीचर होता है, इस फीचर में आपको ऑलमोस्ट सभी टाइप के यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे इस फीचर के थ्रू किसी भी फीचर को यहाँ से एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ Realme के कौन कौन सी डिवाइस को ये फीचर जो है देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, कौन कौन सी वो डिवाइस होंगी जो कि इस पर्सनलाइजेशन वाले फीचर को जो है सपोर्ट करेंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं पर्सनलाइजेशन वाले फीचर के बारे में। अब जैसा कि यहां पे आपको कई सारे फीचर्स, मतलब आप यहीं से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि थीम्स हो गया, वॉलपेपर्स हो गए, आइकन स्टाइल हो गया, ऐप लेआउट हो गया, फिंगरप्रिंट स्टाइल हो गया। अगर आपके डिस्प्ले में ऑन डिस्प्ले यहां पे फिंगरप्रिंट है अगर आपके डिवाइस में, ठीक है, तो आपको यहां पे फिंगरप्रिंट स्टाइल भी जो है देखने को मिल जाता है, कलर्स देखने को मिल जाते हैं, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन ड्रॉअर देखने को मिल जाता है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी डिवाइस को ये फीचर जो है देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं बताता हूं, ये पर्सनलाइजेशन वाला जो फीचर है ये आपको Realme UI 2.0 जो कि बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पे आपको जैसे ही आपके डिवाइस में यहाँ पे पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन जब भी देखने को मिलेगा, तो ये तभी देखने को मिलेगा जब आपके डिवाइस में यहाँ पे Realme UI 2.0 देखने को मिलेगा। और जो जो डिवाइस यहाँ पे Realme UI 2.0 के लिए लिस्टेड होंगी, जो जो डिवाइस, सभी डिवाइस को ये फीचर्स जो है देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए किसी डिवाइस में जो है ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्टाइल जो है यहाँ पे स्किप कर दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्टाइल को छोड़कर बाकी सभी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा फीचर जो कि आपको पर्सनलाइजेशन वाले फीचर में जो है आपको कई तरीके के नए यहां पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप यहां पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी यहां पे टैप करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप उसका कलर वगैरह भी जो है चेंज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा फीचर है जो कि आप अगर आपको Realme UI 2.0 जो कि बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 है अगर आपको मिल गया है देखने को अपने डिवाइस में, तो आप इस फीचर को जो है यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी फीचर को, चाहे आइकन हो गए, चाहे नोटिफिकेशन पैनल का ड्रॉअर हो गया, मतलब कोई भी चीज वो आप यहां से कर सकते हैं, साथ में थीम्स वॉलपेपर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपकी सारी क्वेरीज जो है दूर होंगी इस वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।